प्रोफेसर जेसी भट्टाचार्य प्रायोगिक तारा भौतिकी में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। वे 1982 से 1990 तक भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के निदेशक रहे। प्रोफेसर भट्टाचार्य ने 234 सेंटीमीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का 1986 में तैयार होने तक सफलतापूर्वक संचालन किया। ये उस समय एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप था। उन्होंने 1971 में बृहस्पति ग्रह के उपग्रह गैनीमेड के चारों ओर एक पतले वातावरण की खोज की। 1977 में उन्होंने लूनार ऑक्यूलेशन तकनीक से यूरेनस के चारों ओर वलयों के विस्तार की खोज की। प्रोफेसर भट्टाचार्य ने एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के फोटोमेट्रिक रिकॉर्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण किया। कोडाईकनाल स्थित सोलर मैग्नेटोग्राफ इनमें से एक है। वे प्रमुख विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अकादमियों के फेलो चयनित किए गए। 1986 में उन्हें सीवी रामन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ उन्हें यूजीसी हरिओम ट्रस्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।